ना तो फिल्म के अगर बात करें ये साली आशिकी क्या कहना चाहेंगे इस पे, काफी नाम है इसका, अलग सा यूनिक सा आपने दिया हुआ है, बताइए इसके बारे में कुछ। पहले चिराग। हाँ जी सर, पहले वर्धन। ओके, तो ये साली आशिकी एक्चुअली एक स्टेटमेंट नहीं है, एक एटीट्यूड है, एक इमोशन है, जो एक ट्रांजिशनरी पीरियड होता है ना, जब आपका दिल टूटता है और फिर से आपको जब मोहब्बत होती है, उसके बीच में वो जो इंटरिम होता है, उसमें हर आशिक, हर यंगस्टर एक एटीट्यूड को अपने ही अंदर बयां करता है, जो लव को क्वेश्चन करता है वेरी रॉन्गली, पर ज़रा सा सिनिकल हो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों मैंने मोहब्बत की और क्यों मैंने मेरे पार्टनर को ऐसा मौका दिया कि वो मेरा दिल तोड़े। तो वो जो एटीट्यूड होता है, उस के बारे में ये फिल्म है। तो ये साली आशिकी इज़ अ फिल्म अबाउट एटीट्यूड ऑफ लवर्स वंस दे गो थ्रू अ सिचुएशन। ओके, इसी के साथ ट्रेलर में जिस तरीके से मुझे लगा कि काफ़ी अलग तरीके के किरदार अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके की इंटेंस जो है किरदार है, एंड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, इसके बारे में कुछ बताइए अपने अपने किरदार के बारे में। पहले आप बोलेंगे। मैं मीति देवरा प्ले कर रही हूँ, एंड बहुत ग्राफ है कैरेक्टर में, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। जब हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे, हम बहुत माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, चलना, बैठना, उठना, बात करने का तरीका। नॉर्थ इंडियन बेस्ड कैरेक्टर है, तो वो बात करने का तरीका, हर एक चीज़ स्टडी करना, तो हमने काफ़ी काम किया है इस पर। कैरेक्टर है, ग्राफ है, इमोशंस भर के हैं, हर एक इमोशन आपको दिखाई देगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन दिस फिल्म। मेरे कैरेक्टर का नाम है साहिल मेहरा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड कैरेक्टर है, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग बट एज एन एक्टर टू प्ले हिम। बहुत ही नुआंस्ड है, एक बहुत हैवी सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म रखता है अपने आप में। इसके बहुत सारे पहलू हैं, ये इसमें आपको इनोसेंस भी दिखेगी, इसमें आपको रेज भी दिखेगा, इसमें आपको रोमांस भी दिखेगा, इसमें आपको बेदिली भी दिखेगी, इसमें आपको हर वो चीज़ दिखेगी जो एक आम इंसान में आप देखते हो, और कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत ऐसे शेड दिखेंगे जिनके बारे में मैं अब बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैरेक्टर रिवील हो जाएगा और प्लॉट बाहर चला जाएगा। पर ये एक फिज़िकल से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेपरेशन थी। ऑफकोर्स फिज़िकल प्रेपरेशन भी बहुत थी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग एक्शन सीन्स भी थे, इसमें बहुत इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी भी थी, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेलर में भी दिखी होंगी। पर मोस्ट ऑफ ऑल इसमें जो किस्म का मेंटल प्रेपरेशन था, वो इतना एक्सट्रीम था कि उसको अपने आप में इम्बाइब करने के लिए चिराग और मुझे आगरा के हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहाँ मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। हम सेंट्रल जेल गए, जहाँ एक सेल होता है हाई सिक्योरिटी वॉल्ट, जहाँ हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक क्रिमिनल्स रहते हैं, और जो सबसे डेंजरस मर्डरर्स है इस कंट्री के, वो सारे रहते हैं। तो हमें उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला, उनके जहन को समझने का मौका मिला, उनके साथ बैठे, उनके इमोशन समझा कि वो जब क्राइम कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी लाइफ कैसी रही उसके पहले, पनिशमेंट के बाद उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आज जहाँ भी वो है उनको कैसा महसूस होता है कि जो उन्होंने किया वो गलत था सही था। तो ऐसी इंटेंस वर्कशॉप्स हुई हमारी, इतना रिसर्च हुआ, तो वही आपको बतलाएगा कि ये कैरेक्टर कितना कितना इंटेंस है और इसका ग्राफ कितना एक्सट्रीम है। ओके, चलो, आपके लिए कितना मुश्किल था, जिस तरीके से दोनों की पहली फिल्में हैं, सो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए दोनों से इस तरीके का किरदार करवाना, इस तरीके का काम करना? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि वर्धन इज फ्रॉम थिएटर, ही इज डन थिएटर सिंस ही वाज 5, ही इज बीन ट्रेन्ड बाय अमेजिंग पंडित सत्यदेव दुबे एंड मेरे लिए कोई भी सीन्स में ये चैलेंज नहीं था कि वर्धन ये नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ थिएटर बैकग्राउंड। एंड शिवालेका इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस। हमने जब कास्टिंग की बात आई थी एट दैट टाइम, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग थिंग थी कि लड़की की कास्टिंग क्या होगी, बिकॉज वेन यू हैव अ
वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर तो उसके सामने जो एक ऑपोजिट लीडिंग पेयर होता है उसको भी उसकी कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो देन व्हेन वी मेट शिवालिका वी डिड रीडिंग्स व्हेन वी प्लेस द कैमरा एंड वी सॉ दैट द फ्रेम हैड बिकम वेरी पावरफुल व्हेन वी हैड बोथ ऑफ देम ऑन द फ्रेम बिकॉज वी हैड गुड केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो वो केमिस्ट्री ने मुझे एक्साइट किया. मैंने और वर्धन ने फिर ऑडिशन देखे. वर्धन इज ऑल्सो राइटर ऑन दिस फिल्म. तो हमने जब हम दोनों ने साथ में बैठ के ऑडिशन देखा तो वी डिसाइडेड कि यार वी शुड डू मोर रीडिंग्स विद हर. एंड जब रीडिंग्स में ही हमें उतना पावर मिल रहा था उतनी केमिस्ट्री मिलती थी तो वी बिकेम श्योर के हमें फिल्म शूट पे भी वो रिजल्ट मिलेगा और फिल्म पे भी दिखेगा. तो इट वॉज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज वी हैव डन सो मेनी रीडिंग्स. वी आई थिंक रेड द एंटायर स्क्रिप्ट थ्राइस और फोर टाइम्स बिफोर वी वेंट ऑन. वी हैड रेड इट The whole script, I think we had done. I don't remember the exact number. से पहले हम बहुत prepared थे. तो luckily we all were on the same page. Luckily Vardhan has been a writer on this film, so it's a blessing for me because he's playing a very complicated character. तो that was a blessing for me. खाली problem आ रहा था जैसे इन दोनों ने कहा कि ये इनको इनके character में कैसे problem आ रहा था इनको अदर मैं तो इन दोनों के characters को जी रहा था. Double problem. मैं डबल पागल हो रहा था क्योंकि मुझे कभी साहिल मेहरा बनना पड़ रहा था कभी मुझे मीति देवरा बनना पड़ रहा था एंड सबसे ज्यादा गुस्से में मैं ही था सेट पर. और सारे जितने सेकेंडरी एक्टर्स हैं और सारे सेकेंडरी एक्टर्स बट आप लोग दोनों के तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं. सो इन दैट वे इट वाज अ टफ टास्क बट इट वाज ऑल फन. वी ऑल हैड अ ब्लास्ट ऑन सेट. वी हैड एन अमेजिंग टाइम शूटिंग. वी आई थिंक शॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सीन्स इन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्लेसेस इन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस. But still, we've managed to get some good results, and we are. हम college students बन गए थे. हाँ, really. ऐसे लग रहा था कि हम 18-20 साल के back to college चले गए. नौजवान हैं, तो बहुत एक innocent सी feeling आ रही थी. तो बहुत ही मजेदार experience था. Actually, this was an experience of a lifetime. Yeah. मैंने आज तक जिन-जिन फिल्मों पे assist किया है, I think उससे ज़्यादा tough बहुत ये film को shoot करना था. So it was a very challenging experience, I would say, but a fun experience at the same time. ओके लास्टली कभी आ रही है फिल्म इसके बारे में बताइए क्या कहना चाहिए. सॉरी 22nd नवंबर क्या कहना चाहिए कब रिलीज हो रही है. द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 22nd नवंबर एंड आई कैन अश्योर यू दैट अमरीश पुरी फिल्म से ये फिल्म आ रही है तो फिल्म की क्वालिटी का मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ बिकॉज अमरीश पुरी हैज सच अ लेगेसी एंड ही इज बीन नोन फॉर क्वालिटी सिनेमा. तो फिल्म में आपको एक क्वालिटी मिलेगी एक कॉन्टेंट मिलेगा. डेब्यूटेंट एक्टर्स है डेब्यूटेंट डायरेक्टर है बट लोगों के कमेंट्स तो ऐसे आ रहे हैं जैसे ये लोग ने काफी फिल्में पहले कर चुकी हो. थैंक गॉड. थैंक यू. वी आर मतलब वी आर गोइंग टू बी शोकेसिंग अ गुड टैलेंट ऑफ आर्टिस्ट्स इन आवर फिल्म. तो वी जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी द फिल्म एंड एंटरटेन योरसेल्फ एंड इफ यू लाइक द फिल्म देन जस्ट मोटिवेट अदर पीपल टू सी. हमें एक मौका दीजिए प्लीज. हमने बहुत मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है जिसका नाम है ये साली आशिकी. ये एक फुल्ली कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म है. एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है जो एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत ही जोल्टिंग मैसेज भी देती है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है और जितने हमारे दर्शक हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है. इसमें म्यूज़िक ज़बरदस्त है. इसमें लिरिक्स आउटस्टैंडिंग है. इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको सिनेमा में देखने चाहिए. तो प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए. जिस मोहब्बत से बनाई है आप उसी मोहब्बत से आए फिल्म देखें हमें अप्रिशिएट करें हमारी फिल्म को प्लीज़ हिट करा दीजिए. थैंक यू सो मच. हमने बहुत हार्ड वर्क किया है. यू ऑल आर द जज नाउ. 22nd नवंबर प्लीज़ गिव अस ऑल योर लव. थैंक यू.